बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप श्रीराज जी श्यामा जी की मेहर से युगलदास महाराज जी कृत मनमोहन रसानंद सागर से चितवन की गहराइयों में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, प्रातःकाल का श्रृंगार चल रहा था, कल हमने शिवराजी के श्रृंगार में झीला, आज शोभा है पहला श्रृंगार श्यामा जी का। पहला श्रृंगार श्यामा जी का। अब चार सखी ने अति महारुचि सो श्री श्यामा जी को नख शिख श्रृंगार कराए के बीच जिस श्रृंगार के कि माशूक बेकल बेकरार हो जाए वे सब श्रृंगार कराए। श्री रंग महल की तीजी भूम में जो चार मंदिर की दहलान है वहां पे शिवराजी का श्रृंगार, और दूसरी हार का जो पहला मंदिर आसमानी रंग का मंदिर है यहाँ पर श्यामा महारानी का श्रृंगार होता है। इन अति सुंदर विशाल मंदिर में सुंदर चौकी श्यामा जी वास्ते, श्यामा जी उनमें बेहद ही प्यारी अदासी चौकी पर विराजमान है, और चार मंदिर की दहलान पे शिवराजी विराजमान है। चार सखियां राजी का श्रृंगार कराती हुई, चार सखियां श्यामा जी का श्रृंगार करती हुई, और इन समय युगल पिया की नजरों से नजर मिली हुई वो सुंदर शोभा, एक दूजे को निहारती युगल पिया। चार सखियां श्री श्यामा महारानी को श्रृंगार करा रही। श्रृंगार किस प्रकार से कि बेहद ही रुचि से, बहुत दिल में भाव लेकर श्यामा महारानी को उनका नख से शिख तक, उनके चरणों से लेके शीश कमल तक बड़े ही प्यार से, दिल में अति प्रेम लेकर भाव से ऐसा श्रृंगार करा रही है कि शिवराज जी उन श्रृंगार में खो जाए। श्यामा महारानी का वो नूरमय श्रृंगार कि नजरे वहीं टिक जाए। सखियां इस प्रकार से बड़ी ही रुचि के साथ, दिल में अति प्रेम लेके श्यामा जी को श्रृंगार करा रही है। हर श्रृंगार में जादू टोना मिलाए, सभी श्रृंगार में अपना जादू टोना, अपना प्यार, बेशुमार प्यार उस श्रृंगार में, दिल में अति प्यार लेकर चरणों से लेके शिख तक श्यामा जी के चरण, सुंदर फूल की पांखड़ी पर धरे श्यामा महारानी के चरण कमल, उनके अंगूठे अंगड़ियों की सलूकी, नखों का तेज, एक एक नख की सलूकी, उनसे उठती सुंदर झिलमिलाट, अनवट बिछिया, काड़े अंग में झांझरी घुंघरी कांबी कटला, चरण तली की जोत, कदम की सुंदर ज्योति, झांझरी घुंघरी कांबी करला से उठती जोत,
नीली लाई को चरनिया धारण किया है श्यामा महारानी ने, श्याम रंग चढ़ा की उनकी कंचू की, और नूरी सिंध्या रंग की चढ़ा उनकी साड़ी। साड़ी में से झिल मिलाती उनकी जड़ावयुग चरणिया कंचू की, उनके हारों कंठसरी चमकली के हार का दीदार साड़ी में से होता हूँ। कोमल हस कमलों में अंगूठी पहुंची, नव घड़ी नव चूर कंकनी बाजू बन, श्यामा जी का मुखार बिंद, उनकी मुखार बिंद पे छाई हंसी मुस्कान, उनके लब उनकी नासिका उनकी गोरे गोरे लाली माली एकाल, मुरली श्रवण अंग में झालों की शोभा, उनके नयन मस्तक पर बैंदा शीश कमल पर राखड़ी स्वर्ण पटिका राखड़ी पर आती साड़ी, उस साड़ी में से झिल मिलाती उनकी वेणी कंचुकी के बन हारों के फंदन, नक्श से शिख श्यामा महारानी का वो नूरी स्वरूप, हर श्रृंगार अपनी नजरों से अपने कोमल हस्त कमलों से सजाती रूप, दिल में अत प्यार लेकर हर श्रृंगार में जादू टोना मिलाए, सिवाय अनवट बिछियों के श्रृंगार श्यामा जी के श्री राजी के बराबर आए। श्यामा जी के चरणों में अनवट बिछिया विशेष और चरणों का शेष श्रृंगार झांझरी घुंघरी कांबी कडला राजी के बराबर आया है। जैसे श्री राजी के चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कडला की झलकार, वैसे ही श्यामा महारानी के नीली लाई को चरणिया, श्यामा जी का नीले रंग का सुंदर जड़ाव युक्त चरणिया, श्याम रंग जड़ाव की कंचू की, उनकी बाजू में आए बाजू बंद पांचों हार पांच लड़ी चंपकली कंठसरी चीड़ नथ बेसर लोलक झाल पानड़ी बेंदा बदिया बीज शीश फूल बेनी फूल चोटी फूल उमक हारों और नाड़ी के इस संपूर्ण श्रृंगार श्री श्यामा जी को चार सखी ने कराई। श्यामा महारानी की नीली लाई को चरनिया, श्याम रंग चढ़ाव की कंचू की, उनका बाजू बन, उनके कंठ में विराजी पांच हार पांच लड़ी वाला हार चंपकली कंठ सरी जो कंठ से मिलकर आती है, चंपकली का हार पांच लड़ी का बताया जाता है, चीड़ नथ बेसर नथ बेसर उनकी नासी मार में मुरली की भी शोभा और बेसर की भी शोभा, लोलक झाल श्रवण अंग में झालों की शोभा, कर्ण फूल उनके नीचे झाले और झाले में लटकते मोती पानड़े, नीलवर से ले राखड़ी लाल मांग भरी उसके ऊपर पानड़ी की शोभा, बैंदे की शोभा शीश कमल पर आए शीश फूल उनकी बेनी में सुंदर फूलों की शोभा, चोटी पर बेनी चोटी में फूलों की शोभा, फुम्मक और नाड़े की शोभा चरणिया में आया सुंदर नाड़ा, इस संपूर्ण श्रृंगार श्री श्यामा जी को चार सखी ने कराए, और आप 12,000 साधने और आप 12,000 साधने श्रृंगार मीनो मीने करे
उनने उनको उनने उनको। इन आसमानी रंग मंदिर में श्यामा महारानी का श्रृंगार और घेर कर 6-6 हजार मंदिरों की दो हारे आई हैं। उनमें सभी ब्रह्म प्रियाएं एक दूजे को श्रृंगार कराती हुई। तो यहाँ पर जो मंदिर 28 स्तंभ के चौक की वजह से कम हो जाते हैं, उन मंदिरों की पूर्ति थंबों में, वो थंब मंदिरों का रूप लेते हुए। अब श्री श्यामा दुल्हन नख सिख श्रृंगार करके संपूर्ण सुंदर साथ को कराई के वास्ते माशूक जितने की फौज रस लेकर तरफ माशूक के चले। अब श्यामा महारानी नख से सिख श्रृंगार सज के और संपूर्ण सुंदर साथ ने भी श्रृंगार सज लिया है। अब सब सुंदर साथ को लेके एक मानित फौज की तरह श्यामा जी इन 28 स्तंभ के चौक से होते हुए शिराजी की ओर चलती हैं। शिराजी सिंहासन पर विराजमान हैं, नीलो न पीलो मंदिर के सन्मुख सिंहासन पर। इन आसमानी मंदिर से निकलकर, आसमानी रंग मंदिर से निकलकर सब सखियां श्रृंगार सज के आसमानी रंग मंदिर में आती हैं। श्यामा जी के श्रृंगार के मंदिर में उनके चरणों लागती हैं। वहां से श्यामा महारानी सब सखियों सहित इन 28 स्तंभ के चौक में से होती हुई माशूक शिवराजी की तरफ चलती हैं। अब उनकी चलने की वो सुंदर अदा, सुंदर छप का वर्णन श्यामा महारानी बीच मैदानी प्रेम काम की खीली जैसे मतंग मतवारी हाथी निशान को आगे होवे। श्यामा महारानी सुंदर नख से सिख श्रृंगार से सजी सखियों के उन झुंड में सिरदार, प्रेम इश्क और प्रेम से लबरेज इस प्रकार से चल रही हैं जैसे मतंग हाथियों का झुंड हो, उनमें एक हाथी सिरदार आगे निशान लेके चल रहा है और उसके पीछे छावला चले, आगे आगे हाथी पीछे पीछे उसका झुंड, उन हाथी को घेर के उनका झुंड चल रहा है। जैसे मस्त नव यौवन हंसनी को मस्त छोना हंसन के घेर चले, एक सुंदर हंसनी को घेर कर हंसों का झुंड चले, ऐसे चंद्रवदन मृग लोचनी घेर चली, ऐसी हमारी चंद्रवदन मृग लोचनी सुंदर उपमा श्यामा जी को घेर कर सखियां चलती हैं। आसपास प्रिया जी महाराज के शोभायमान बनी, प्रिया जी महाराज श्यामा महारानी जी को घेर कर सब सखियां 28 स्तंभ के चौक में होने वाली वो सुंदर छप को याद करें। श्यामा महारानी नख से सिख श्रृंगार सजी, एक एक सखी भी उनके माफा की श्रृंगार से सुसज्जित, पिया जी की वो ब्रह्म प्रियाएं श्यामा महारानी को घेर कर कैसे आगे बढ़ रही हैं शिवराजी की तरफ। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभा। श्यामा महारानी बीच मैदानी प्रेम काम की खीली जैसे मतंग मतवारी हाथी निशान को आगे होवे और पीछे उनका छावला चले, जैसे मस्त नव यौवन हंसनी को मस्त छोना हंसन की घेर चले, ऐसी चंद्रवर्धन मर्ग लोचनी घेर चली और आसपास प्रिया जी महाराज के शोभायमान भई। और प्रीतम है स्वाधीन जिनके, और प्रीतम है स्वाधीन जाके, ऐसी जो श्यामा महारानी है तिनको सिर अपने के देख के अनेक विध का घमंड करती है
और अनेक विभ के प्रेम रस का मान गुमान अहंकार रखती है। श्यामा महारानी जिनके सिर पर शिराजी का वर्ध हस्त है, उन्हें देखकर उनका वो मान वो अभिमान प्रेम रस से भीगा भीगा उनका मान गुमान अहंकार कि मैं शिवराजी की हूं, राजी मेरे हैं। और प्रीतम है स्वाधीन जाके ऐसी जो श्यामा महारानी है, ताको सिर अपने के देख के अनेक विध का घमंड करती है, अनेक विभ के प्रेम रस का मान गुमान अहंकार रखती है। प्रेम कांत प्रेम काम सिंध की तरंगन से उमराती एडाती है। कैसा उनका अंग अंग प्रेम की मस्ती में खिलता हुआ, उन्माद नव यौवन के से छिन छिन पल पल उमड़ाती एडाती है। उनके अंग अंग में पिया जी का वो प्रेम इश्क, और वो प्रेम इश्क उनके अंगों में उमड़ रहा है, उनके अंग अंग में वो प्रेम वो मस्ती झलक रही है, उनकी चाल में उनकी वो अदा में कैसी प्यारी अदा से वो चलती हुई कदम धरती हुई नाजुकी से 28 स्तंभ की चौक में उन सुंदर गिलम से होते हुए राजी की तरफ जाना, उनके नयनों की मस्तियां, उनके मुखारविंद का तेज, उन्माद नव जौवन के से छिन छिन पल पल इठखाती ठिठलाती और बीच हजूर माशूक के चली जाती है। श्यामा महारानी और सभी सखियां प्रेम रस में उन्मुत नव यौवना सी पल पल उनका इठलाना वो मस्ती भरी चाल चलना, दिल में अति उत्साह की पिया जी के पास जा रहे हैं, पिया जी के पास जा रही है, कितनी प्यारी अदा से उन सब को दिल में ले रहे, 28 स्तंभ के चौक के उन सुंदर आभा में तली किलम ऊपर चंद्रमा घेर कर एक एक थंब वो थंब भी उन्हीं लीलाओं को दर्शाता हुआ, और उन सुंदर समा में श्यामा महारानी अपनी ब्रह्म प्रियाओं के संग और सभी के अंग अंग में वो मस्ती वो उल्लास की पिया मिलन को जा रहे हैं, अंग अंग में पिया की मस्ती नख से शिख शिंगार सजे हुए कि जैसा जो पिया के मन को भावे, कोई सखी हस्तों में छड़ियां लिए हैं, उन प्यारी सखी के हाथ में छड़ी की शोभा छड़ी लेकर चल रही है, कोई फूल कमल को लिए है, और एक सखी बड़ी प्यारी अदासी कमल के सुंदर फूल को लिए खड़ी है, कोई रुमाल पान डिब्बे या वैसे 12,000 अपनी अपनी जुदी जुदी 12,000 सेवा लिए है। अब कोई सखी सुंदर कंचन के थाल में रुमाल लिए खड़ी है, कोई अति सोने नूरी थाल में पान बीड़ी सजा के विध विध की सामग्री सेवा को दिल चाहा चित चाही, पिया जी के दिल में जो इच्छा उपजे, श्यामा जी के दिल में जो इच्छा उपजे, उसी क्षण सेवा में हाजिर, सभी अपनी अपनी 12,000 सेवा लिए खड़ी है।
कोई सखी हस्तों में छड़ियां लिए है, कोई फूल कमल को लिए है, कोई रुमाल पान डब्बी या विरसी 12,000, अपनी अपनी जुदी जुदी 12,000 सेवा लिए हैं। और आगू कमल नैनी के को कांपती है, को बजावती है, को नाचती है, कोई कूदती है, कोई फांदती है, कोई दौड़ती है, कोई भमरी फिरती है, कोई माने नटकी गुलाटियां देती है, कोई कोनिया रमती है, कोई फोंदड़ी फटती है, कोई लड़ती है, कोई भिड़ती है, और कोई देख देख अट्टहास हंसती है। कुछ अपने हाथों में रुमाल पान की बीड़ियां विध विध की श्रृंगार सामग्री को लेकर चल रही हैं, तो कोई सखी श्यामा महारानी के सन्मुख आके गायन की सेवा करती है, उनका गुणगान कर रही है। कोई कोई सखी बाजंत्र बजा रही है, बांसुरी वादन करना, शहनाई वादन करना, मृदंग बजाना, और कोई उन गायन की उन तान से तान मिला के नृत्य कर रही है। कोई कूदती हुई, कोई फांदती हुई, कोई दौड़ रही है, कोई भमरी फिर कर ही अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रही है, कोई मार्टिन कोई नट के माने गुलाटियां लेकर श्यामा जी के सन्मुख आ रही है, कोई कोनियों की रामत कर रही है, कोई फूंदड़ी फिर रही है, कोई प्रेममयी लड़ाइयां करके कि श्यामा जी की नजर हमारे ऊपर आए, कोई भिड़ रही है, और कोई जोर जोर से हंसी हंस रही है। और सबके दिल की एक ही चाह, श्यामा जी की नजर हमारी नजरों से मिल जाए, एक पल तो श्यामा जी हमारी ओर निहार ले। कोई सखी श्यामा महारानी की चौकदारी करती है, अब कोई चौकसी में पूरी सेवा में तत्पर है, कोई उनके ऊपर छत्र ताने है। सुंदर नूर की छतरी श्यामा महारानी के ऊपर सेवा को, नहीं तो 28 स्तंभ के चौके नूरी चंद्रमा तले चल रही है श्यामा महारानी, लेकिन फिर भी सखियां सेवा चाहिए। कोई राह के बिछोने बजाती है, कोई उनके मार्ग में पलक पावड़े बिछा रही है, कोई अत्तरदानी तो कोई पीकदानी, कोई बस्तर, कोई भूखन लिए है, कोई इत्र की सुंदर वो नूरी शीशियां लेकर, कोई पीकदानी, कोई बस्तर लेके तत्पर है, तो कोई आभूषण लेके, और वो प्यारी सखी तो फूलों की वर्षा कर रही है, फूलों की वो कोमल कोमल पंखड़ियां, सुगंधित समा, अट्ठाईस स्तंभ के चौक से आती श्यामा महारानी अपनी अंगना सहित उन उल्लास को, उन मस्ती को, कैसे हर्षो उल्लास से अर्श मिलावा आगे बढ़ता है, फूलों की बरखा या विद श्यामा महारानी अलमस्त दीवानी नजीक माशुक दिल जानी के आई। इस प्रकार से श्यामा महारानी अलमस्त दीवानी, पिया के प्रेम में दीवानी, धाम धोला शिरा जी के सन्मुख आई। या विद श्यामा महारानी अलमस्त दीवानी नजीक माशुक दिल जानी के आई। प्राणन के प्यारे ने राज दुलारे ने प्राण के प्यारी राज दुलारी को जा छिन देखा,
ताई छीन मानिन गुलाब फूल कमल के सब अंग खिल गए। प्राणों के प्यारे प्राण वल्लभ शिवराज जी ने श्यामा महारानी को जिस पल देखा, उनका अंग अंग गुलाब की उन पंखुड़ियों के समान खिलता हुआ, श्यामा महारानी का नख से शिख तक का वो श्रृंगार, धाम दूल्हा की नजर पड़ते ही उनकी मां का वो सिंदूर, उनके कंठ में फूलों की माला, उनका अंग अंग सजता हुआ खिलता हुआ और स्वलीला वाहिदत की भूमिका में सब सखियां भी उन्हीं एहसास को महसूस कर रही हैं कि पिया जी ने हमें ही तो लिखा। प्राणन के प्यारे ने राज दुलारे ने प्राण के प्यारी को राज दुलारी को जा छिन देखी, ताई छिन मानिन गुलाब फूल कमल के सब अंग खिल उठे और नक्षिक बीज के रोम रोम बीज के सिंहासन के उठ के पांच कदम चल के दोनों कर कमल श्यामा वनरी के चतरे वनरे ने पकड़ के मस्कत अंग भर के पैदर पे मुतवातर अधूर अमृत पी के बाएं अंग सिंहासन पर बैठा। शिरा जी श्यामा महारानी और ब्रह्म प्रियों उनको देखकर श्यामा महारानी को रीझ कर वो प्रसन्नता से इश्क भरी नजरों से निहार कर श्यामा महारानी का सखियों का रोम रोम खिलता हुआ अब पिया जी सिंहासन से उठते हैं और आगो बढ़कर श्यामा महारानी की अगवानी करते हैं। कैसे श्यामा महारानी को दोनों कंधों से पकड़कर बड़े प्यार से अपनी बाहों का वो नूरी सानिध्य और सिंहासन पर श्यामा महारानी को विराजमान कराते हुए और नक्षिक भीज के रोम रोम रीच के पिया नक्षिक उन श्रृंगार से प्रसन्न हो रहे हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है। सिंहासन से उठे पांच कदम चल के अपने दोनों कर कमलों से श्यामा महारानी को अपने हस कमलों के उन कोमल एहसास से पकड़कर अपने अंक में भरकर नख से शिक उनका वो सुंदर दीदार अपने अधरामृत का पान करा के बाएं अंग सिंहासन पर बिठाए। और जो सुंदर साथ और सुंदर साथ जो संग हतो ताको मेहर नजर में भेजाया और सुंदर साथ जो साथ में है श्यामा महारानी के उनको भी अपनी मेहर नजर से अपनी इश्क भरी नजर से उनके भी रोम रोम को भिजाया, आनंद सिंध में डुबोया, सबने चित जाया मनोरथ पाया, सबने चित जाया मनोरथ पाया। उन समय की सुंदर शोभा को कि शिवराज जी सिंहासन से उठ रहे हैं, नख से शिक पिया जी का वो नूरी सिंगार, सिंहासन से चौकी से कदम उतार कर जब तले रखना, एक एक कदम आगे बढ़ना, उन समय
वो तीजी भूम की परशाल, वो दहलान और कोमल होती हुई। पिया जी नाजुकी से आगे बढ़कर रोम रोम रीछ कर श्यामा महारानी की अगवानी करते हैं। वो इश्क भरी नजरों से रूहों की ओर निहारते हैं। राजी श्यामा जी को सिंहासन पर विराजमान करते हैं। युगल पिया नीलो न पीलो मंदिर के सन कठेड़े को पीठ दिए और नूरी सिंहासन पर विराजमान है। और युगल पिया के चरण मोर की चौकी पर, युगल पिया के चरणों का दीदार, नूरी चरण कमल पिया के, सभी रूहें उनके चरणों लागती हैं और अपलक उनकी सुंदर छवि को निहार रही हैं। नख से शिख युगल पिया का श्रृंगार, युगल पिया श्रीराज श्यामा जी के मुखारविंद की वो प्रसन्नता, वो तेज मुस्कान, और वो ही तेज मोही मुस्कान सभी ब्रह्म प्रियाओं के भी अंग अंग में खिलती हुई। धाम की अति सोनी लीला, या वे श्यामा महारानी अलमस्त दीवानी नजीक माशुक दिल जानी के आई। प्राणन के प्यारे ने राज दुलारे ने प्राण के प्यारी को राज दुलारी को जा छिन देखी ताई छिन माने गुलाब फूल कमल के सब अंग खिल गए और नक्षिक भीज के रोम रोम रीछ के सिंहासन से उठ के पांच कदम चल के दोनों कर कमल श्यामा वनरी के चतुर वनरे ने पकड़ के मस्कत अंग भर के पैदर पे मुतवातर अधूर अमृत पी के बाएं अंग सिंहासन पर बैठा रो और सुंदर साज जो संग हो तो ताको मेहर नजर में बिछाया आनंद सिंधु में डुबोया सबने चित चाया मनोरथ पाया सबने चित चाया मनोरथ पाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।